मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से? शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत हो। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए। अच्छा। वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके अच्छा। से तो देखिए एक सैलरी ना बांधे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं नहीं, सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, चार जन जब करेंगे तो पैसे के लिए गरीबी हो, मुफलिसी हो, तंगी हो, भुखमरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के नाम पर कुछ भी कर डालेंगे। ये लोग करते हैं, ये लोग इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाएंगे। This is no excuse. नहीं रुबीका जी, This is no excuse. देश में तो अल्लाह का नाम लेने वालों को मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये बैठ के मैं बोली, किसने मारा मुझे बताइए? देखिए अल्लाह अकबर, ये कहा मैंने अल्लाह अकबर, अभी बता दूं 130 करोड़ जनता सुन रही है, अल्लाह अकबर, किसने मारा मुझे बताइए? अंजना जी, मैं जानता हूँ कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल, ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं नहीं, सवाल अंजना कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल, आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, देखिए 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 अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं बिल्कुल, बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से हिमाकत दिखाइएगा मत। अब्दुल रजा खान ऑन द स्क्रीन। अब्दुल रजा खान, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजा खान, आवाज चली गई। देखिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इतना मत एक्ट करिए कि आवाज नहीं आ रही, आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? वाले है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की राजनीति, किस दिशा की राजनीति कर रही है। पंडाल में दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म, मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मेरा सामने, मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं।
तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा। हाँ, आप सवाल आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है। या जवाब भी सुनेंगे। आवाज कम, मेरी बात सुनो, आवाज कम। वायरस जो है किसी के साथ, छोटा भाई नहीं हूँ ना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, बीमारेंगे, आवाज कम। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम बम, चिकी चिकी बम।